नहीं, इसको यहाँ नहीं फेंकना, इसको रिसाइकल करना है। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले बोतल का कवर उतारना है, उसके बाद बोतल को धोना है, और फिर बाद में बोतल का लेबल उतारना है। उसके बाद रिसाइकलिंग बिन के पास जाना है और ब्राउन बिन में फेंकना है, क्योंकि वो बिन प्लास्टिक के लिए है। आपकी जानकारी के लिए, ब्लू बिन का घास के लिए है और येलो बिन लोहे के लिए है। रिसाइकलिंग करना ज़रूरी है क्योंकि उससे नई चीज़ें बन सकती है। देखो ये कितना आसान है। रिसाइकलिंग करने से आपको इनाम भी मिल सकता है। चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊं। ये है वांजाई ग्रीन कम्युनिटी। यहाँ की डेकोरेशंस रिसाइकल के चीज़ों से बनेंगे। अंदर आप प्लास्टिक, लोया, कागज, शीशा, बल्ब, सेल और छोटी बिजली वाले चीज़ें रिसाइकल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को तोल सकते हैं। अगर आप 2 kg का रिसाइकल मटेरियल लेके आते हैं तो आप ग्रीन कार्ड मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड के साथ आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और इनाम ले सकते हैं, जैसे कि चावल, सेमिया, तेल और टिश्यू। अगर आपके पास 2 kg का रिसाइकल चीज़ें नहीं है तो आप ग्रीन मोबाइल ऐप से रजिस्टर कर सकते हैं और उसी वक्त मेंबर बन जाएंगे। अब आप आसानी से 6 steps के साथ रिसाइकल कर सकते हैं। पहले बोतल को वॉश करो और फिर बैग में डालो। उसके बाद अपनी चीज़ों को ग्रीन कम्युनिटी पे लेके जाओ और तोलो। तोलने के बाद अपने पॉइंट्स जमा करो और याद रखना 1 kg 10 points है। उसके बाद अपनी चीज़ों को सही जगह पे फेंकना है। अब आखिरी स्टेप ये है कि अपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करके आप मुख्तलिफ इनाम ले सकते हैं। अब आप सबको पता चल गया इस ग्रीन कम्युनिटी के बारे में। अब सबको आना चाहिए रिसाइकल करने के लिए।